सुना था वो आएंगे तूफान लेकर, वो आए भी और चले गए, एक पत्ता भी नहीं हिला। भाई नवी एक मिनट, रैली में उन्होंने शैलजा और हुड्डा के हाथ मिलवाए। देखिए वो तो जबरदस्ती, उससे तो सिद्ध हो गया कि हाँ पार्टी बाजी है। मैंने देखा पीछे खड़े होकर दोनों के हाथ पकड़कर जुड़ा रहे थे, वैसे तो जुड़े हुए नहीं है ना। यही तो हम कह रहे हैं इतने दिन से कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, इतनी बड़ी नेत्री का सम्मान नहीं है। राहुल गांधी को मंच पर आकर दोनों के हाथ मिलाने पड़ते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। सर उन्होंने हरियाणा में क्लीन स्वीप करने की बात कही है। ये राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं, जिस भी चुनाव में जाते हैं, इनकी अपनी पार्टी की क्लीन स्वीप हो जाती है। आज से पहले इतना जन समर्थन कभी नहीं मिला। मैं 6 चुनाव जीत चुका हूं, लेकिन इस चुनाव में जनता खुद निकल निकल कर आ रही है और काम करने की राजनीति पर, क्योंकि काम यहां पर केवल मैंने किया है, अपनी सहमति जता रही है, बाकी तो गुब्बारे बेचने वाले हैं। आते हैं तरह तरह के वादे घोषणाएं नारे देते हैं और चले जाते हैं। किसी के पास भी अंबाला छावनी में एक भी विकास काम गिनाने का नहीं है। मैं तो अपने पर्चे बांट रहा, लोग पूछ रहे अनिल भी तो कामों के पर्चे बांट रहा, तुम्हारे कामों के पर्चे कहाँ हैं? पर मुझे किसी ने बताया जो काम ये करते हैं उसके पर्चे बांटे नहीं जाते।